काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर इस करंट एग्जांपल के रिस्पेक्ट बात करें, इस एग्जांपल में लॉजिकली कोई भी स्पेशल लॉजिक्स नहीं है, कोई भी स्पेशल ऑपरेशन नहीं, जस्ट आपको कंसोलिडेट क्या करना है इस केस में, डिक्लेरेशंस और देयर सिंटैक्सिस, क्लियर। सपोज अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है, लाइक सपोज वी वॉन्ट टू क्रिएटिंग अ सच फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप एज फंक्शन पॉइंटर्स, मीन्स अगर आपको कोई भी ऐसा फंक्शन डिजाइन करना है जिस फंक्शन के थ्रू आपको किसी फंक्शन का अगेन एड्रेस रिटर्न कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस क्रिएट किए थे, फंक्शंस के थ्रू रिटर्न किया कराया था आइदर प्रिमिटिव वैल्यूज और एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सिमिलरली किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करा के अगर फंक्शन से फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कराना था, इस केस में किस टाइप से डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे, सेम केस इस केस में इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट वन, इनिशियली मैंने सिंपल फंक्शन प्रोवाइड किया जाए फाइंड। फाइंड क्या, फाइंड जो वन आर्गुमेंट फंक्शन से फंक्शन के अंदर सप्लाई किया हुआ, इट विल टेकिंग वन आर्गुमेंट एज कैरेक्टर टाइप, मीन्स इसके अंदर कोई भी लॉजिक्स नहीं, सिंपली जो भी आप कैरेक्टर पास करोगे अगेन रिटर्न क्या करेगा, आस्की वैल्यू ऑफ सेम कैरेक्टर, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है जाए इंटीजर, मीन्स इस फंक्शन के सिंटेक्सिस को रखना है। सेकेंड केस मैंने एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया है जाए फंक्शन, इस अगेन इस केस में फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिक्लेरेशन हो या कन्फ्यूजियस डिक्लेरेशन हो, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा इजीली समझ में आ जाएगा। वन मोर थिंग्स, यहाँ मीन्स अभी तक आपने देखा था फंक्शन के अंदर जब भी कोई पैरामीटर पास कर देता ना, आर्गुमेंट के साथ में हमेशा प्रोवाइड क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन इस प्लेस पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है। जस्ट रीजन मीन्स यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, स्टार यूज हो रहा है, इसका मतलब रिटर्न क्या होने वाला है, जस्ट एड्रेस, लेकिन स्टार डायरेक्टली ब्रैकेट्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स, देन इसका मीनिंग क्या हुआ, इस फंक्शन से किस टाइप का एड्रेस होने वाला, जस्ट एड्रेस ऑफ एन अदर फंक्शंस, क्लियर। देन अब कुछ नहीं कि किस टाइप के फंक्शन का एड्रेस कर सकता है, मीन्स इस फंक्शन के थ्रू किसी भी ऐसे फंक्शन का एड्रेस कराना पॉसिबल जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर और आर्गुमेंट टाइप कैरेक्टर है, क्लियर। सिंपली मीन्स पर्टिकुलर डिक्लेरेशन मैच किस और फाइंड, फाइंड के केस में रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर और आर्गुमेंट टाइप क्या है, कैरेक्टर, मीन्स फाइनली इस फंक्शन से फाइंड फंक्शन का रिटर्न एड्रेस रिटर्न कराना पॉसिबल, क्योंकि इसका सिग्नेचर और डिक्लेरेशन मैच किस हो रहा है विद फाइंड फंक्शन, मीन जब भी फंक्शन कॉल होगा इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, एड्रेस ऑफ फाइंड फंक्शंस, बिकॉज फाइंड फंक्शन का भी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, फाइंड फंक्शन का भी आर्गुमेंट टाइप क्या है, कैरेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट वन, सिंपली मेन फंक्शन क्रिएट किया है, अगेन मैं बोला उसके इसमें लॉजिकली कुछ भी नहीं, ओनली सिंटैक्सिस को आपको फॉलो करना है। देन जैसे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो, मेन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल पीटीआर, वेरिएबल एक्स एंड पीटीआर। एक्स सिंपली इंटीजर टाइप वेरिएबल है, जबकि पीटीआर क्या है, पीटीआर इज अगेन फंक्शन पॉइंटर, पीटीआर इज अगेन फंक्शन पॉइंटर। पीटीआर के रिस्पेक्ट में बात करें, पीटीआर भी किस टाइप के फंक्शंस को पॉइंट करेगा, पीटीआर के थ्रू कोई भी ऐसा फंक्शन पॉइंट करना पॉसिबल जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर और आर्गुमेंट टाइप कैरेक्टर, मीन्स इस फंक्शन से जैसे पीटीआर के थ्रू फाइंड फंक्शन पॉइंट करना पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि इसका पीटीआर का भी रिटर्न टाइप क्या हो रहा है, इंटीजर, फाइंड का भी रिटर्न टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर, इस फंक्शन पॉइंटर का आर्गुमेंट टाइप क्या है, कैरेक्टर, फाइंड का भी आर्गुमेंट टाइप क्या है, ऑल्सो कैरेक्टर्स। नेक्स्ट मीन्स पीटीआर में किसी फंक्शन का डायरेक्टली आसान करा बाय यूजिंग फंक्शन कॉलिंग, इस केस में फंक्शन के अगेन यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऑलरेडी पता है जब ये फंक्शन कॉल होगा इस केस में सबसे पहले कॉलिंग किसके लिए हो रहा है, दैट फंक्शन, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इससे रिटर्न क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ फाइंड फंक्शन, तो इस प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ फाइंड फंक्शन, क्लियर। देन इमीडिएटली इस पॉइंटर के थ्रू, पॉइंट क्या हुआ, फाइंड फंक्शंस, तो जैसे पॉइंटर के थ्रू कॉलिंग किसके लिए हुआ, ऑलवेज फाइंड फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में मीन दिस इज द फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट यूजिंग पीटीआर, लेकिन इससे कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, फाइंड फंक्शन, प्लस इसमें कैरेक्टर क्या पास हुआ, ए, जैसे ये कॉलिंग ऑफर हुआ इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, हेडर ऑफ द फाइंड, प्लस इसमें आर्गुमेंट पास किया था ए, ए कॉपी किस में हो जाएगा, इनसाइड सी, फाइनली इससे रिटर्न क्या हो रहा है, आस्की वैल्यू ऑफ ए विच इज 65, इस कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, 65, इस प्लेस पर जब 65 रिटर्न हुआ, 65 आसान हो जाएगा, इनसाइड एक्स देन वैल्यू ऑफ एक्स बिकम 65, देन फाइनली इसे प्रिंट एप के थ्रू एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ, आउट ऑफ दिस प्रोग्राम इज सिंपली 65। इसे आपके लिए आउटपुट इंपॉर्टेंट केस नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सल्टेट करना, जब भी अगर आपको किसी फंक्शन के थ्रू किसी अदर फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कराना है, तो उस केस में आप डिक्लेरेशन किस टाइप से प्रोवाइड करो, लाइक दैट, क्लियर।